ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति चल जाम काहु नो हिमालय रायवर तेरे घुमान प्राण शिवगुरु के खाते हैं प्रसाद यहाँ पर हम लोग बजरंग बली का। हम यहीं प्रसाद बनाया जा रहा है, सूजी का, फिर भी आटे का भी बनेगा। अभी हवन बाकी है और रामायण पूरा हो गया और यहाँ छोले धोया जा रहा है। क्या बनेगा इसका? छोले की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का समय है, हमारा जो अखंड रामायण का पाठ था वो अभी समाप्त हो चुका है। अब हवन की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं, बस पांव रंगवा रहे हैं पैर आलता से। तो आप अभी देखें कि हमारे हस्बैंड भी रंगवाएं, तो क्योंकि जोड़े में करते हैं हवन इसलिए दोनों ही बैठ के साथ में हवन करेंगे, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही पैर रंगाया जाता है। ऐसा हमारे पूरे गाँव में ऐसा होता है, सिर्फ मेरे घर में स्पेशल नहीं होता है। तो सबने बारी बारी से रंगवा लिया है। मेरी दीदी सबसे पहले फर्स्ट मार गई। यहाँ पे मेरी दीदी की फैमिली है, उनकी ननद, उनके हस्बैंड, उनका लड़का सब बैठे हुए हैं, और ये मेरी बेटी है। सब आज पीला पीला पहने हैं, येल्लो येल्लो। पूजा का था ना, हवन का, इसलिए हमने आज पीला ही पहना। और मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पर। तो हम लोग रेडी हैं, जा रहे हैं पूजा के लिए, पूजा पर बैठने, तो मंदिर जा रहे हैं। सारी लड़कियाँ भी रेडी हो गई हैं। एक का सब्जी भेजा है बाइक से। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे लड्डू गोपाल, तीनों दोस्त साथ एक साथ जा रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी गेट बंद करो। तो हम लोग यहाँ देखिए मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ पे हवन कुंड बनाया गया है हवन करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी है, बड़े बड़ी दीदी, बड़े जीजा, उनका छोटा वाला बेटा रवि, इक्कू का छोटा भाई। तो लकड़ियाँ सेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी अच्छे से रखी जाएगी तभी जो है धुआँ आग जो है अच्छे से जलेगा, अच्छे से हवन कर पाएंगे। मंदिर में देखिए गाँव की सब लेडीज भी आ गई, गाँव की औरतें, क्योंकि अभी हवन होगा, फिर आरती होगा, तो प्रसाद सबको दिया जाएगा। और हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, पहुँच गए हैं। और गर्मी तो इतनी है कि पूछिए ही मत। तो बस धीरे धीरे उसमें आग लगाया जा रहा, क्योंकि अच्छी तरीके से आग पकड़ेगा तभी जाके अच्छे से हवन हो पाएगा। जो स्वाहा स्वाहा वाला होता है बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, गर्मी इतनी है ना कि पूछिए मत। एक तो गर्मी, ऊपर से धुआँ, और यहाँ पर नेहा ले रही है सेल्फी, और गर्मी से हालत हो रही है सबकी ख़राब। मेरे बेटे की भी हालत बहुत ख़राब हुई, तो उसका तो लूज मोशन चालू हो गया था। हम बड़े हवन तो चालू हो गया। ये हमारी भाभी हैं जो इधर से आ रही है सामने से ऑरेंज कलर की साड़ी में। तो सब हमारे आसपास के नहीं, हमारे फैमिली मेंबर ही सब बैठे हुए हैं। तो ये लोग जब एक बार हवन कर लेंगे तो जिनको उठना है उठ भी सकते हैं, जिनको जो नहीं बैठे हैं वो दोबारा में बैठ के हवन कर भी सकते हैं। और गर्मी से हालत ख़राब थी, देखो मेरी पीहू ना गर्मी से सो गई रोते रोते, तो मेरे हस्बैंड ले गए उसे सुलाने के लिए। और बहुत गर्मी लग रहा था, धुआं से तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना पोछे कि हवन करे, सारा मेकअप मेकअप धरा का धरा रह गया। और ये मंदिर का जो भंडारा हो रहा है, पिछले साल ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो आप लोग जो मेरे पुराने व्यूअर्स से वो देखे ही होंगे, जो नए हैं वो लोग इस बार देख लीजिए। तो पिछली बार मंदिर का चार धाम यात्रा, मंदिर नहीं मतलब मूर्ति की चार धाम यात्रा कराई गई थी, वो सारा वीडियो है, जो नहीं देखे मेरे पुराने व्लॉग में जाके देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे आरती हो रही है। ये जो मेरे पापा का सपना था मंदिर बनवाना, तो यहाँ पे हाय हाय देखो कर रहे सब मेरे कजिन सिस्टर के लड़के हैं, और आरती की वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ लग रही है, लगी पड़ी है। तो पापा का सपना था मंदिर बनवाना, तो पापा तो मेरे हैं नहीं इस दुनिया में, उनको 3 से 4 साल हो गए,
मेरे पापा को गए हुए तो मंदिर की जो नींव कराई थी मेरे पापा नहीं करवाई थी। हेलो भाई, फिर मंदिर तो बनवा नहीं सके, लेकिन फिर मेरे भैया ने मुझे सपने को भैया के नाम मंदिर बनवाया। ऐसे एक्चुअली भैया यहाँ रहते भी नहीं, मेरे गांव के घर में भी ताला लगा रहता है, मेरे अमेठी वाले घर में भी, अगर मेरी छोटी दीदी ना रहे तो वहाँ भी ताला लगा रहे, पर वो वहाँ रहती है इस वजह से कोई होता नहीं। मंदिर में भी कोई नहीं होता, एक पंडित को रखा गया है तो पंडित पैसा लेता है महीने का, तो देख रेख पूजा पाठ पंडित ही करता है। और गांव में एक मंदिर बन गया तो अच्छा है, मेरे पापा का सपना भी पूरा हो गया, गांव के लोगों के लिए भी अच्छा हो गया पूजा करने के लिए। यहाँ पे दीदी सबको टीका लगा रही है, आरती करने के बाद लेने के बाद फिर टीका लगा रही है सबको। अब वो कुछ बातें कर रहा है मेरे से, वो मेरी कजिन सिस्टर का लड़का है, यहाँ पे किट्टू हाथ में कलावा बांध रहा है। तो आज मेरे पापा जहाँ भी होंगे वहाँ से देख के खुश हो रहे होंगे कि चलो उनका भी सपना अधूरा नहीं रहा, पूरा हो गया। मंदिर देखो अकेले का अपना पर्सनल नहीं होता है, तो भगवान अपने पर्सनल होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, उनके लिए सब बराबर है। और भगवान को कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान हमारे हैं, सबके लिए हैं। तो ऐसे चलो पुण्य का ही काम है, मंदिर बना हर साल, इसीलिए भंडारा होता है। ये एक साल हो गया भंडारे का, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा धूम मची थी, क्योंकि मूर्ति आई थी, उनकी चादर यात्रा कराई गई थी, बहुत। ये देखिए गाइस, हमारे यहाँ प्रसाद बांटा जा रहा है। तो मैंने और मेरी बेटी ने भी कलावा बांध लिए, मेरे बेटे ने भी, अब इनकी बारी है, इनके हाथ में कलावा बांधा जा रहा। गर्मी से तो पसीने पसीने हो गए ये क्या, सबकी हालत ख़राब थी गर्मी से, पर क्या करें, भगवान का चीज़ है तो ना भी नहीं कर सकते हैं, आना भी ज़रूरी था। और यहाँ पे ये रवि है, पहचान लीजिए इसे, बिक्कू का भाई है, मेरी बड़ी दीदी का जा रहा है साथ देने। आरती वारती होने के बाद सबको यहाँ पे प्रसाद वितरण बोलते हैं ना, प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। ये रोहित है, मेरी कजिन सिस्टर का लड़का, बड़े पापा की लड़की के लड़का। और यहाँ पे देखो गर्मी से इसकी हालत हो गई है ख़राब, किट्टू को कह रहा है मुझे पंखे में जाना है, तो बस यहाँ पे प्रसाद दे रहा है सबको। चनामृत का प्रसाद तो मेन होता है, देखिए बाल्टी में चमचे से दे रहा, क्योंकि जग से किसको देता, इसलिए बाल्टी से ही लेके चमचे से निकाल के सबको दे रहा है। उधर वो जो बजरंग बली का मेन प्रसाद बूंदी होता है, बूंदी का लड्डू या बूंदी, तो वही बांटा जा रहा है, और साथ में जो और प्रसाद होते हैं वो भी है साथ में। तो बस यहाँ पे सब गांव की औरतें, लेडीज, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको प्रसाद अपना जो जो जिसको मिल गया वो अपने अपने घर जा रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो ले रहे हैं। प्रसाद है, देखिए हम लोग चल रहे हैं खाने, आप लोग भी खा लीजिए हनुमान जी का प्रसाद, सब लोग खा। खाते हैं प्रसाद यहाँ पे हम लोग बजरंग बली का। हम हैं यही, खिलाना स्टार्ट हो गया है। भतीजा जी आए हैं, देखो नेता खान मेहमान जो नाम है ना, सच में मेहमान की तरह ही आए हैं, नेता करने, नेता करने। चलो ये मंगाई थी, देखो रोहित को, देखो आया नेता खाने जा रहा है उल्टा, तो आओ खाने। तो हम लोग मंदिर पहुंच गए, और यहाँ देखिए मेरी बड़ी दीदी की जेठानी की बहू है, जो मेरा पैर छू रही है, आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि मैं भी लगूंगी इनकी सास, क्योंकि मेरी दीदी इनकी चाची सास लगी तो मैं भी सास लगूंगी। और जो नीचे बैठी है वो मेरी बड़ी दीदी की ननद है, तो उनसे भी मैं मिल रही हूँ, हम लोगों का हंसी मजाक चलता ही रहता है। और साइड में महक बैठी है, वो मेरी दीदी की छोटी ननद की लड़की है, मतलब फैमिली दीदी की बहुत बड़ी है, कितनों को मैं बताऊँ। बहुत सारे लोग आए भी थे, अभी और भी बताऊँगी, सब आने वाले हैं, कुछ लोग आ गए हैं। और ये क्या, वहाँ पे सॉन्ग बज रहा था इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया, आ गई मेरी दीदी, तो गले मिल रही थी, तो उनसे इंट्रोडक्शन मैंने कराया, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि वहाँ पर भजन बज रहे थे, इसलिए तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। और यहाँ पे भंडारा चालू भी हो गया है,
तो भंडारा ये देखो हाय हेलो कर रहा है, ये रोशन महक का भाई है, रोशन का भाई है, कजिन ब्रदर है, खिलाते हैं। और यहाँ पे भंडारे का जो प्रसाद है ना 4 बजे से चालू हो जाता है खिलाने, क्योंकि रात तक चलता रहता है। इसलिए यहाँ देखो मेरी भाभी है, भाभी से बात कर रही हूँ, बेटी की बहू, यहाँ सब लोग यहाँ पे हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो खिलाना स्टार्ट हो गया, आप लोग भी आ जाइए बजरंगबली का प्रसाद खाने। यहाँ पे देखिए दीदी की ना ये सब है, यहाँ पे शायद खा लिए हैं इन लोगों ने, प्रसाद खा लिया है, क्योंकि इन लोग को निकलना होगा गाँव में जल्दी, मतलब रात की वजह से ये लोग जल्दी निकल जाते हैं। तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे। नाम बताओ। इतना नहीं है कि कब से भी बड़ा आ जाए, देखिए बजरंगबली कितने अच्छे लग रहे हैं, इनको नहला धुला के नया वस्त्र पहनाया गया है, और भोग वगैरह जो भी था बना था इनके लिए प्रसाद वो भी लगा दिया गया है। और यहाँ पे एक पंडित को रखा गया है, क्योंकि मेरे भैया भाभी यहाँ रहते नहीं हैं, गांव वाले घर में कोई रहता नहीं है, सब अमेठी में, जो छोटी वाली दीदी है, अगर वो भी दीदी ना रहे अमेठी के घर में तो वहाँ भी ताला लगा रहे, तो इसलिए यहाँ पंडित जी को भी रखा गया। सारा पैसा दिया जाता है महीने का, वो पूजा करते हैं, जबकि मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई नहीं रहता है वहाँ, लेकिन फिर भी मंदिर बनवा दिया गया है, क्योंकि मंदिर अकेले का नहीं होता, भगवान किसी एक के नहीं होते, सबके लिए होते हैं। तो कुंभ का ही काम है, भंडारा चालू हो गया, उसके बाद देखिए आरती भी चालू हो गई है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर सब्सक्राइबर उनको पता होगा, एक साल पहले भी मैंने ये वीडियो डाला था मंदिर के भंडारे का और रथ यात्रा का, तो उनको पता ही होगा, जो नहीं पता इनको होगा, जो नए हैं तो इस बार जान गए। तो भंडारा चालू हो गया, सब प्रसाद खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आई होप कि आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं बैठ के, मैं, मेरी दीदी है, मेरी बड़ी दीदी की जेठानी के लड़के हैं, तो बस हम लोग बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पीहू आ गई है मेरे पास, तो उसे गर्मी बहुत लग रही थी, मेरे बेटे की भी हालत बहुत ख़राब थी। एक बार बजरंगबली को देख लीजिए लास्ट बार, यहाँ पे सब लेडीज़ लोग, भाभी लोग बैठ के भजन गा रही हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब